केक के लिए हमें बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, एग 4, मिल्क 2 टेबलस्पून, पाउडर्ड शुगर 1/2 कप और मैदा 1 कप चाहिए। अब हमने एग वाइट और एग योक को अलग कर लेना है और एग वाइट को इतना बीट करना है कि वो एक स्पंज बन जाए थिक सा। अब हमने ग्रेजुअली शुगर को एग वाइट में मिक्स करना है और साथ साथ उसे बीट करते जाना है। जब शुगर मिक्स हो जाए तो सारे अंडे की जर्दी एग वाइट में मिक्स कर लेनी है और उसे अच्छी तरह बीट कर लेना है। इसके बाद इसमें मैदा मिक्स करना है और बेकिंग पाउडर मिक्स करना है और उसको हैंड मिक्सर से मिक्स करना है, इसको बीट नहीं करना है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क डालेंगे और इसको हल्का हल्का मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसको पैन में निकाल के 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। बेक करने के बाद ये इस कलर एंड इस शेप का हो जाएगा। मैंने और भी स्पंज बना के रखे हैं डिफरेंट कलर्स के, तो आइए चलें उन्हें कंबाइन करते हैं। अब हम सबसे पहले टिन फ्रूट में से जो सिरप था वो हम स्प्रेड करेंगे अपने स्पंज पे और उसके बाद हम क्रीम स्प्रेड करेंगे इवनली पूरे स्पंज पे और टिन फ्रूट इसके बाद इस पर हम स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह हम बाकी सारी लेयर्स अपनी कंप्लीट करेंगे। ये मदर्स डे स्पेशल केक था जो मेरे बच्चों ने मुझे सरप्राइज़ दिया है और उन्होंने ख़ुद बेक किया इस केक को और रात को वो मुझे डिनर पे भी लेके गए थे। तो आइए चलें आपको दिखाते हैं कि हम रात को घर से निकले हैं और हम इस्लामाबाद जिना सुपर गए हैं। वहाँ जाके हमने बहुत ही टेस्टी बर्गर खाया है। ये हम DHS से बाहर आ रहे हैं और अब हम एक्सप्रेस वे की तरफ हैं ताकि हम इस्लामाबाद जा सकें। नदियाँ पार पार करके टुकड़ चार चार करके वो चली कहीं दूर। अब हम जिना सुपर एंटर हो रहे हैं। सारी शॉप्स बंद हैं लेकिन ये बर्गर वाला खुला हुआ है। इसका बर्गर बहुत ही टेस्टी होता है और ये ट्रीट मेरे बच्चों की तरफ से थी मदर्स डे पर मेरे लिए। कहानी के अफसानों में भी नहीं रहे नदियाँ पार पार करके टुकड़ चार चार करके वो चली कहीं दूर।